वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज आपकी जो मुलाकात करवाने वाले हैं, हम ऐसे असील मुर्गे से करवाने वाले हैं जिसकी एज जो है वो 16 इयर्स ओल्ड है यार। 16 इयर्स ओल्ड यानी 16 साल का मुर्गा। भाई 16 साल का मुर्गा कुछ इस तरह से है कि उसकी बहुत बड़ी एक स्टोरी है, ठीक है, जो उसके ऑनर हैं। हम आज उनसे आपको मिलवाते हैं, उनके बारे में आप मतलब उस जो 16 ईयर्स ओल्ड का मुर्गा है उसके बारे में आपको बताते हैं, उसके बारे में जो भी उसके माजी की बातें या जो उसकी हाल की बातें, या वो 16 साल यार जी कैसे गया, मतलब क्या कभी बीमार नहीं हुआ? या तो यार मुश्किल से एक साल भी जो है वो नहीं सर्वाइव कर पाते और बीमार हो जाते हैं। तो चलो चलते हैं और अब आपको 16 साल पुराना मुर्गा दिखाते हैं। उस्ताद ये चीज़ है जो कि 16 साल की है माशाल्लाह, बिल्कुल कंफर्म्ड है कि ये 16 साल का है। जबरदस्त, ये चीज चेक करें। अच्छा, ये एक आंख से काणा है, तो जिसकी वजह से इसका नाम क्या रखा गया है? काणू। तो इसको आप काणू कहते हैं। तो भाई ये काणू जो है वो इसका नाम है माशाल्लाह। और इसको काणू इसलिए कहा जाता है कि ये एक आंख से काणा है और बहुत ही बेहतरीन फाइटर है। इसका जरा शौक करवाए उस्ताद, ये देखें, बहुत ही जबरदस्त चीज है। और 16 इयर्स ओल्ड जो है वो हमारे पास ये ब्रीडर मुर्गा है। और ये देखें आप इसकी जो आप इसकी ये देखें, ये नोक चेक करें, नोक से आप अंदाजा लगा ले यार। ये फिर भी इन्होंने जो है वो इसको फाइट वगैरह करवाते हैं तो इसको थोड़ा शॉर्ट करा है। चेक करें इसकी नलियां, चेक करें आप बस, ये देखें बहुत ही प्यारी चीज। और ये कपकपा रहे, मतलब ये प्योरिटी की पहचान है। ये देखें ये असील मुर्गा हमारा, बहुत ही जबरदस्त। अच्छा जी, तो 5 kg जो है वो इसका वेट है माशाल्लाह, 5 किलो की जो है वो ये चीज है। मुझे अब ये जरा ये बताइए यार कि ये 16 साल तक जी गया, मतलब कभी बीमार नहीं हुआ? बीमार हुआ हुआ। अच्छा, लेकिन हम ट्रीटमेंट देते हैं ना, ट्रीटमेंट देते हैं आप बहुत सही इस तरीके से हम देते हैं जैसे पक्के लिए। जबरदस्त, तो बस ख्याल रखते हैं आप इसका, बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो माशाल्लाह ये तो भाई आपकी बहुत बड़ी बात है कि आप उसी तरह से अपने बर्ड्स को भी रखते हैं जिस तरह से आप खुद रहते हैं, यानी एक केयरिंग, यानी ये चीज जो है वो एक केयर मांगती है। तो यार 16 क्या 20 साल भी जी जाएगी, क्या कहते हैं आप? अगर केयर नहीं करते तो एक दिन भी नहीं रुकती, और अगर केयर कर ले तो वो चीज हमारे पास हो जाती है। तो मतलब 16 इयर्स ओल्ड में इसने मतलब काफी सारे मौसम आपके साथ देखे होंगे, ठीक है भाई? तकरीबन इसकी ब्रीड्स वगैरह आपके पास मौजूद है? चल रहे 2009 या 10 की इस तरीके से हमारे पास आए ये माशाल्लाह 2009 या 2008 में जो है वो ये आपके पास आया है। और इसकी ब्रीड्स वगैरह आपने ली है, मतलब बच्चे वगैरह इसके लिए आपने? इसकी ब्रीड्स भी आपके पास मौजूद है, तो इंशाल्लाह वो कभी हम अपने व्यूवर्स को दिखाएंगे कि इसकी ब्रीड। लेकिन ये आप देख सकते हैं मेरे तमाम दोस्तों कि ये 16 साल उम्र का जो है वो मुर्गा है, 16 साल उम्र का, यानी 16 इयर्स ओल्ड एज है इसकी। आज भी फाइट के लिए आया था, बस जोड़ नहीं हुआ। अच्छा, फाइट के लिए आया था तो जोड़ नहीं बना, तो इसको आपने फाइट नहीं करा, ठीक है भाई? तो फाइटिंग के लिए जो है वो आप इसको इस्तेमाल करते हैं। जबरदस्त, बहुत अच्छी चीज है आपकी। तो इसको खुराक में क्या देते हैं आप? ज्यादातर बाजरा देते हैं। ज्यादातर बाजरा देते हैं और टमाटर प्याज जो चीज जो है वो इस तरह के आइटम देते हैं। सही, बहुत ही जबरदस्त चीज है। आपको देखें 5 किलो इसका वजन है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि जब आपके पास आया था तो ये छोटा था क्या? नहीं, तकरीबन 1.5 साल 2 साल था। 1.5 साल 2 साल का ये आपके पास आया था माशाल्लाह, और अभी भी ये 3 ईयर्स ओल्ड की चीज है। मतलब आपने इसकी ब्रीड्स भी ली है। इसके जो कांटे हैं ये तीसरी दफा आ रहे हैं। तीसरी दफा आ रही है, यानी टूट के गिर चुके हैं, यानी हमने खुद ही काटे। अच्छा, आपने खुद ही काट दिया। टाइम ये काटे थे यहाँ जड़ से। सही, नेक्स्ट टाइम हमने आगे से काटे, ये निशान भी मौजूद है इसके ऊपर कटे का। जबरदस्त, तो मतलब बहुत ज्यादा आपको पहचानता है ये? जी हाँ। जबरदस्त, हमारा शौक यही है। सही, बहुत अच्छी चीज है, बहुत जबरदस्त चीज है माशाल्लाह। अल्लाह पाक इसको सलामत रखे, और आप इसकी ब्रीड लेते रहे और इसकी फाइट भी करवाते रहे, बहुत जबरदस्त चीज है। तो दिखाया है कि 16 इयर्स ओल्ड यानी 16 साल का मुर्गा
जबरदस्त। और वाकई ये है क्योंकि भाई कह रहे हैं मेरे पास 2008 या 9 से मौजूद है, तो आप हिसाब लगा लें क्योंकि एक साल या डेढ़ साल इसकी एज ऑलरेडी थी। तो ये देख लिया आपने भी मुर्गा के बहुत ही प्यारा मुर्गा है, और इसकी ब्रीड्स भी भाई ने ली हुई हैं, और ये फाइट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्टेंट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ।